अब हम लर्न करेंगे कि रेक्टेंगुलर एरे कमांड को हम कैसे यूज कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर एरे कमांड को यूज करने के लिए हम कमांड प्रॉम्प्ट विंडो में एरे टाइप करेंगे REC, एरे REC। इससे हम रेक्टेंगुलर एरे कमांड स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर हम मेन मेन्यू बार के अंदर मॉडिफाई में जाके हम एरे पे क्लिक करेंगे एंड देन सेलेक्ट योर रेक्टेंगुलर एरे। यहाँ से भी हम रेक्टेंगुलर एरे कमांड को स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर हम रिबन के अंदर मॉडिफाई पैनल में जाएंगे एंड सेलेक्ट योर रेक्टेंगुलर एरे। यहाँ से मैं रेक्टेंगुलर एरे कमांड सेलेक्ट कर रहा हूँ। नाउ आस्किंग सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, किस ऑब्जेक्ट को आप लोगों ने एरे करना है। मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंटर। देन ये हम लोगों से पूछेगा कॉलम्स आप लोगों ने कितने बनाने हैं। मैंने यहाँ पे कॉलम्स बनाने हैं 1, 2, 3 एंड 4, फोर कॉलम्स मुझे बनाने हैं, फोर हमारे पास हैं। उसके बाद है हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन द कॉलम्स, कॉलम्स के बीच में हम लोगों ने डिस्टेंस कितना देना है। यहाँ पे मैं डिस्टेंस देता हूँ 100, 100 का डिस्टेंस मुझे चाहिए लाइक दिस वन। और उसके बाद टोटल डिस्टेंस है वो हमारा ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। यहाँ पे है हमारे पास रो, हम लोगों ने कितने बनानी है। रो है हमारे पास 1 एंड 2, 2 रो मुझे यहाँ पे बनानी है, तो मैं यहाँ पे 3 की जगह 2 रिप्लेस कर दूंगा। एंड देन जो टोटल डिस्टेंस है वो मैं यहाँ पे देता हूँ 100, बिकॉज इन दोनों के बीच में 100 का डिस्टेंस ही मुझे चाहिए। तो टोटल डिस्टेंस जो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का होगा वो होगा हमारा 100। और यहाँ पे लेवल से हमारा 3D में यूज होगा। उसके बाद अभी हमारे पास एसोसिएट ऑन है। अगर हमारे पास एसोसिएट ऑन रहेगा तो हम एरे के अंदर एडिट कर सकते हैं। अगर हमारे पास एसोसिएट ऑफ रहा तो हम लोग इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल मैं इसको एसोसिएट को ऑन करता हूं। एंड बेस पॉइंट अगर आप लोगों ने चेंज करना है, बेस पॉइंट आप यहां पे क्लिक करेंगे, यहां से आप लोग बेस पॉइंट चेंज कर सकते हैं। ये मैंने यहां पे इस बेस पॉइंट की बजाय मैं यहां पे बेस पॉइंट ले रहा हूं, हम चेंज कर सकते हैं। एंड देन क्लोज द एरे, अभी मैं एरे को क्लोज कर देता हूँ। अभी हमारे पास मल्टी कॉपीज हो गई है, 4 हमने यहाँ पे कॉलम्स बनाए हैं और 2 हमने यहाँ पे रो बनाई है। अब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट हैं वो हमारे सिलेक्ट हो रहे हैं लाइक दिस वन। मैं एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, सारे के सारे सिलेक्ट हो जाते हैं और ऊपर से हमारा रिबन भी चेंज हो जाता है। अगर हम ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पास एसोसिएट ऑन था। अब हम यहाँ पे दूसरे कंपोनेंट को यहाँ पे एरे करते हैं और उसके अंदर एसोसिएट हम लोग ऑफ रखेंगे, देन सीधा रिजल्ट की क्या रिजल्ट रहेगा। हम यहाँ पे रेक्टेंगुलर एरे लेते हैं, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, एंटर। अब हमारे पास कॉलम्स है वो 2 है, 2 कॉलम्स मुझे बनाने हैं। डिस्टेंस में वही 100 देता हूँ इनको, मुझे यहाँ पे 100 का डिस्टेंस ही चाहिए। और हमारे पास रो जो है वो है हमारे पास 1, 2, 3 एंड 4, रोज हमारे पास इंक्रीज हो गई है, रो हमारे पास है 4 और डिस्टेंस बिटवीन द रो दैट इज 100, ये हमारे पास प्लेस हो गई है। उसके बाद एसोसिएट में ऑफ कर देता हूँ एंड देन क्लोज द एरे। अब जो ऑब्जेक्ट है ये सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट है, ये अब एरे के साथ एसोसिएट नहीं है, ये सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट हमारे सिलेक्ट होंगे और ना ही अब हम लोग इनको कोई एडिट कर सकते हैं एरे के थ्रू। इस तरीके से हम एरे कमांड को यूज कर सकते हैं।